जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि रुधिर प्रसंचरण तंत्र, या हम अगर रुधिर को हटा दें, केवल अगर हम प्लेन प्रसंचरण तंत्र की बात करें तो ये दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरे को कहते हैं लिम्फैटिक या लिम्फैटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ब्लड और लिम्फ जो है दोनों में आपस में बहुत ज्यादा अंतर है। तो ब्लड का फ्लो बॉडी में अलग होता है, लिम्फ का अलग होता है, क्योंकि लिम्फ जो है एक लिमिटेड एरिया में और कुछ खास जगहों पर ही पाया जाता है, उसका एक रोल अलग है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लिम्फ जो है, लिम्फैटिक सिस्टम क्या होता है और लिम्फैटिक सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, इसकी हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्यों जरूरी है। उससे पहले ब्लड की बात करते हैं। तो कल हमने जब हार्ट बताया था तो वहां पर जो है, चूंकि वीडियो लंबा हो गया था तो मैंने एक छोटा सा टॉप उसमें जो पॉइंट बचा था उसको मैंने छोड़ दिया था, वो आज के लिए। तो ब्लड प्रेशर, आप जानते हैं कि आजकल ब्लड प्रेशर या बीपी की बीमारी बहुत ज्यादा है, आप हाइपरटेंशन नाम सुनते रहेंगे, सुनते रहते हैं, और कोई भी हो, पहले ये बड़ी उम्र की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन आजकल जो है 25 साल और 20 साल तक के स्टूडेंट्स तक में जो है ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत कॉमन हो गई है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत है, हम तनाव बहुत ज्यादा लेते हैं और उन सब तनाव का नतीजा ही होता है कि ब्लड प्रेशर होता है। तो ये तो एक एक्सटर्नल फैक्टर की बात हो गई कि तनाव हो गया, स्ट्रेस हो गया, काम की अधिकता, चिंता, ये सब ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाले फैक्टर तो है ही है, क्योंकि अगर आप तनाव लेंगे तो आपके शरीर में जो है, जो हार्मोन का है वो डिसबैलेंस होगा, जब हार्मोन का डिसबैलेंस होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है उससे गड़बड़ होगा। लेकिन अगर हम साइंटिफिक मैकेनिज्म या बायोलॉजिकल मैकेनिज्म की बात करें ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर को सबसे पहले अगर हम देखें तो स्फिग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है, जो बीपी की मशीन होती है जिसमें हाथ पे जो है करके, अब तो डिजिटल भी आने लगती है, तो उस मशीन को हम बीपी मशीन कॉमनली कहते हैं, लेकिन अगर उसका साइंटिफिक टर्म पूछा जाता है कि रक्त दाब किसके द्वारा नापा जाता है, तो हम आंसर देंगे स्फिग्नोमैनोमीटर। फिर दूसरी चीज हो गई जो मैंने कल भी बताया था कि हार्ट में ऑरिकल और वेंट्रिकल, जिसको हिंदी में आलिंद और निलय कहते हैं, ये चार चैंबर्स पाए जाते हैं, दो ऑरिकल्स पाए जाते हैं और दो वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, सब मैं कल डिटेल बता चुका हूं आपको। तो जो हमारा हार्ट की में जो है, जो एवी नोड होता है या जिसको हम पेसमेकर भी कहते हैं, तो पेसमेकर जो है हमारे मस्तिष्क के नियंत्रण में मेडुला ओब्लॉगाटा से जो है नियंत्रित होता है, और उसी पेसमेकर से हमारे उसमें इलेक्ट्रिक इंपल्सेज की सप्लाई होती है मस्तिष्क से, और वो बूस्ट होकर वहां पर हमारा जो है हार्ट जो है वो फंक्शन करता है। तो जो वेंट्रिकल का सिकुड़ना होता है या संकुचन, सॉरी फैलना जो होता है, तो उसको हम जो है सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ये होता है हमारा 120 mmHg, यानी 120 मिलीमीटर पारे के जो वायुदाब के बराबर होता है, ये हमारी सामान्य कंडीशन है, इतना होना चाहिए। फिर जब अनसुथलन की अवस्था आती है, जो दूसरी जिसको मैंने डायस्टोल बताया था, तो डायस्टोलिक प्रेशर में जो है 80 mmHg का जो है प्रेशर होना चाहिए, ये एक आदर्श स्थिति है एक सामान्य व्यक्ति के रक्तचाप की, जो स्वस्थ है और उसको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम या बीमारी नहीं है। तो जब हृदय संकुचित होता है तो प्रेशर एग्जर्ट होता है वहां पर जो है हमारी आर्टरीज पर, जैसे ही ब्लड उसमें फिलअप होता है आकर जो है वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल फूल जाते हैं, उसके कारण वो क्या करते हैं, आर्टरी पे एक प्रेशर बिल्ड करते हैं, तो उससे जो है सिस्टोलिक प्रेशर उसे हम कहते हैं, ये 120 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है। फिर जब वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकल पे जब दाब ज्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है, वो दबता है, मतलब वो बीट के साथ दबता है, और उससे जो है ब्लड का फ्लो जाता है कहां पर, ऑरिकल में जाता है। तो यहां पर क्या हो जाता है, ब्लड खाली हो जाने की वजह से जो कंडीशन आती है उसको डायस्टोल कहते हैं, और वहां पर जो प्रेशर बिल्ड हो जाता है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो 80 mm होना चाहिए, आदर्श बात हो गई। अब बात करते हैं सबसे पहले बीपी नापा किसने था, तो एक साइंटिस्ट थे एस हेल्स
एस हेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने घोड़े में बीपी को नापा था। ये 1773 की बात है, मतलब पहली बार बीपी नापा गया था इतिहास में, मेडिकल साइंस में। तो 1773 में एस हेल्स ने बीपी को, ब्लड प्रेशर को पहली बार नापने का काम किया था। अब हम हाई और लो बीपी की बात करते हैं कि हाई बीपी हम कहते किसको है, मतलब कितना बीपी हो जिसको हम हाई कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर अगर हाई हम कह रहे हैं तो 150/90 mmHg, तो हाई है ये मात्रा के उसका, ये सभी जगह यूज होगा। अगर हमारा ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली, मतलब हम कोई वैसा काम कर रहे हैं बहुत ही स्ट्रेस वाला काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं या खेल खेल रहे हैं, तब तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होना लाजमी, क्योंकि वो एक शरीर की नियंत्रण की क्रिया है जो उसको ब्लड प्रेशर को हाई करती है। ब्लड प्रेशर हाई होने से क्या होता है, हमारी जो हार्ट बीट बढ़ जाती है और हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लड की सप्लाई जो है तेजी से होने लगती है। क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते समय सभी अंगों को रक्त की जो है ज्यादा आवश्यकता होती है, तो हमारे हार्ट को तेज काम करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में बीपी हाई होना एक नॉर्मल बात है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर आप दौड़ भाग नहीं कर रहे हैं, आप एक नॉर्मल जिंदगी जो आपका रूटीन है उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी आपका ब्लड प्रेशर 150 और 190, मतलब जो डायस्टोल ब्लड प्रेशर है वो 90 है और सिस्टोल ब्लड प्रेशर 180-150 है, और ये कंडीशन लगातार बनी हुई है 2-4 दिन से लेके कुछ महीनों तक, तब हम इसको टर्म लेते हैं कि ये हाई बीपी है, और इसका साइंटिफिक टर्म है हाइपरटेंशन, यानी उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन। अब हम लो की बात करें तो लो, अगर हमारा बीपी जो है 100/50, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है दोनों सामान्य से कम है, क्योंकि 120/80 होना चाहिए, तो 100/50 है, और ये लगातार ये कंडीशन बनी हुई है, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से हो चाहे किसी हार्ट डिजीज की वजह से हो, तो ऐसी कंडीशन को हाइपोटेंशन कहते हैं, यानी निम्न रक्तचाप। तो जो ज्यादा मामले जो है, मतलब ब्लड सॉरी कार्डिक पेशेंट जो ज्यादातर होते हैं उनको हाइपरटेंशन जो है की शिकायत ज्यादा होती है, ये पुरुषों में होता, महिलाओं में जो है लो बीपी की प्रॉब्लम होती है ज्यादा। ये स्टडीज द्वारा प्रूवन है कि पुरुषों में हाइपरटेंशन ज्यादा होता, महिलाओं में हाइपोटेंशन अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि हमको रक्तचाप की बीमारी हो गई है। अब हाई या लो जो है उसका जो है इसकी इस नाप से पता चलता है, जो बीपी मशीन या स्फिग्नोमैनोमीटर से नापी जाती है। तो ये एक बात हो गई। अब हम बात करते हैं लसीका क्या होता है। लसीका या लिम्फ जिसे हमने कहा, तो लिम्फ भी ब्लड के समान ही जो है एक फ्लूड है, एक द्रव्य है जो ब्लड के समान ही है, हमारे शरीर में ही पाया जाता है और हमारी टिश्यूज में ही पाया जाता है। तो कहां पाया जाता है, ये मैंने सेल्स बनाने की कोशिश की है समझाने के लिए आपको। तो ये सेल्स है मान लीजिए, और इनके जो बीच का स्थान है सेल्स के, जिसमें मैंने ये रेड डॉट्स रखा है, तो इस तरह से ये चारों तरफ जो है हम मान सकते हैं कि ये रेड डॉट्स हैं। तो ये एक ऊतक हो गया, जहां पर कई सारी सेल्स मिलकर एक विशिष्ट काम करती हैं, उनको ऊतक कहते हैं। ये आप जानते हैं ये प्राइमरी परिभाषा किसी भी ऊतक की, तो टिश्यू कहते हैं। तो ये टिश्यू है, और जो सेल्स के बीच का गैप है वहां पर क्या होता है, टिश्यू फ्लूड पाया जाता है। टिश्यू फ्लूड यानी ऊतक द्रव्य, हिंदी मीडियम के लिए मैं इसीलिए बीच बीच में बताता रहता हूं कि जिससे उनको दिक्कत ना हो। तो टिश्यू फ्लूड जो पाया जाता है वो हमारे कोशिकाओं के बीच में या सेल्स के बीच में जो खाली स्थान होता है जहां पर आपस में वो जुड़ती हैं, तो वहां पर टिश्यू फ्लूड पाया जाता है। इसी टिश्यू फ्लूड को हम लिम्फ कहते हैं। लिम्फ का काम क्या होता है, ये ब्लड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जैसे हमारे ब्लड से, हमने बताया था जब सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड का पढ़ा रहे थे कि ब्लड होता है, ब्लड का मेन काम क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स को जो है
ब्लड जो है ऑर्गन्स को क्या करता है, न्यूट्रिएंट जो हमारा पचा हुआ भोजन होता है जो उसका एक्सट्रैक्ट होता है, यानी फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, उसके अलावा कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, तो इसका परिवहन का काम किसका होता है, ब्लड का। ब्लड क्या करता है, इसको ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, जहां ऑर्गन्स में उसकी मेटाबॉलिज्म होती है और मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप वहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो ब्लड जो है डायरेक्टली ऑर्गन को सप्लाई नहीं करता है, क्योंकि ब्लड कहां बहता है, ब्लड हमारे टिश्यूज के अंदर तक कोई भी कैपिलरी या कोई भी वेन नहीं जाती है, हमारे ऑर्गन्स तक तो जाती है, लेकिन ऑर्गन्स के बाद अगर हम बात करें टिश्यूज की या सेल्स की, सेल्स उसकी यूनिट हो गई टिश्यू की, तो ऑर्गन से जो टिश्यू के बीच जो कनेक्टिविटी होती है उस वो कनेक्टिविटी का पार्ट होता है लिम्फ, क्योंकि टिश्यू के चारों तरफ या जो सेल्स के चारों तरफ और टिश्यू में जो गैप होता है उसी गैप में लिम्फ पाया जाता है, और ऑर्गन में जब ब्लड पहुंचता है और उसके बाद जो टिश्यूज में जाना होता है, तो ऑक्सीजन हुआ और ग्लूकोज, मेन दो प्रोडक्ट होते हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ये क्या होता है ऑर्गन से, मतलब ब्लड ऑर्गन जहां तक यहां ब्लड पहुंचा ऑर्गन में, फिर वहां से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से ये परिमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा लिम्फ में पहुंच जाता है। लिम्फ में आ जाने के बाद टिश्यूज द्वारा जो है वो सेल्स को सप्लाई कर दिया जाता है। तो जो मैंने यहां पर ये बना रखा है कि टिश्यू का जो फ्लूड होता है, ब्लड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है टिश्यू फ्लूड या लिम्फ में सीधे पहुंच जाता है विसरण के माध्यम से, क्योंकि ये या ये जो है मीडियम परिमेबल होता है। उसके बाद अब जब श्वसन की क्रिया पूरी हो गई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों है, यहां पर मेटाबॉलिज्म हुई, तो मेटाबॉलिज्म या उपापचय के कारण CO2 रिलीज होती है, आप जानते हैं श्वसन में, तो जो सेल्स में CO2 रिलीज हुई और जो वेस्ट प्रोडक्ट बना यूरिया, यूरिया भी बनता है, यूरिक एसिड भी बनता है, और उसके अलावा कुछ और नाइट्रोजनस जो है वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है, जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इसके इसलिए इसको शरीर से बाहर निकलना जरूरी है सेल से। तो ये CO2 और यूरिया फिर जो है लिम्फ को ही फॉलो करते हैं, मतलब लिम्फ में दोबारा ये इंटर करते हैं, लिम्फ में इंटर करने के बाद ये फिर से ब्लड में पहुंच जाते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से होते हुए जो है ये हमारे फेफड़ों से होते हुए CO2 जो है सीधे वायुमंडल में बाहर आ जाती है। तो ये तो किस तरह से मैकेनिज्म होती है लिम्फ की, लिम्फ का सर्कुलेशन कैसे, लिम्फ में सर्कुलेशन कैसे होता है, ये यहां पर बात स्पष्ट हो गई। अब लिम्फ होता क्या है, मतलब बाय नेचर क्या होता है, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो लिम्फ जो है हल्के पीले रंग का होता है, कहीं कहीं आप जो है ये भी पढ़ सकते हैं कि कलरलेस होता है, क्योंकि कलरलेस या हल्का पीला इसको माना जा सकता है। फिर इसमें आरबीसी अनुपस्थित होती है या बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, मतलब लिम्फ की यही खासियत होती है कि इसमें आरबीसी नहीं होती है, कहीं कहीं अगर आरबीसी पाई जाएगी तो बहुत ही कम मात्रा में, ब्लड के तुलना में बिल्कुल कम, मतलब नगण्य होती है वो। फिर ये प्लाज्मा जैसा होता है, जैसे ब्लड में दो पार्ट होते हैं, मैंने ब्लड जो पढ़ाया था तो बताया था कि एक पार्ट प्लाज्मा होता है जो उसका द्रव वाला पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है, दूसरा जो है ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। तो जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड में कितना होता है, 55%। मैं यहां पर फिर से आपको बता दूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो 55% लगभग प्लाज्मा होता है, यानी अगर हम बात करें ब्लड की तो ब्लड में जो लिक्विड पोर्शन है यानी प्लाज्मा, वो 55% होता है। तो ये प्लाज्मा जैसा ही होता है लिक्विड, और मतलब केमिकल कंपोजिशन जो है इसका लगभग लगभग प्लाज्मा जैसा होता है। फिर अगली बात, इसमें फाइब्रिनोजन, जैसा कि मैंने जब ब्लड क्लॉटिंग बताया था तो फाइब्रिनोजन पर जो है जब थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन उसका निर्माण होता है, वहां पर कैल्शियम वर्क करता है, तो फाइब्रिनोजन जो होता है हमारे ब्लड में जो पाया जाता है वो एक तरह की प्रोटीन होती है, यही हमारी ब्लड क्लॉटिंग मदद करता है। जब कहीं हमको चोट लग जाती, खून बाहर निकलने लगता है, तो जो डिफरेंट टाइप प्रोटीन का कन्वर्जन होते फाइब्रिनोजन बन जाता है। फाइब्रिनोजन क्या होता है, जहां क्लॉटेड एरिया होता है उस पर एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बना लेता है,
और नीचे से आरबीसी ऊपर नहीं आ पाती और वहां पर फंस जाती है। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि आरबीसी तो नहीं आ पाती, लेकिन आपने देखा होगा जब हमको चोट लगती है तो घाव जब सूखता है, मतलब थोड़ा सा सूखता है, तो उसी को हम क्लॉटिंग कहते हैं कि हमारा घाव सूखने लगा है, ब्लड क्लॉट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उससे पीला और चिपचिपा जो है एक पदार्थ निकलता है। तो जो पीला और चिपचिपा पदार्थ होता है वही जो है क्या होता है, लिम्फ होता है। तो लिम्फ जो है क्या होता है, लिम्फ में क्लॉटिंग नहीं होती है या बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें फाइब्रिनोजन होता है। ब्लड तो क्लॉट हो जाता है, लेकिन जो ब्लड में लिम्फ वाला पोर्शन होता है वो क्लॉट नहीं होता है, क्योंकि उसमें फाइब्रिनोजन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। कम मात्रा में पाए जाने के कारण फाइब्रिनोजन में क्लॉटिंग नहीं होती है, यानी जो है फाइब्रिनोजन जमता नहीं है। तीसरी चीज जो बहुत अहम है, तो जब इसमें आरबीसी नहीं पाई जा रही है लिम्फ में, तो क्या पाया जा रहा है, डब्ल्यूबीसी पाया जा रहा है, यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स श्वेत रक्त कणिकाएं। तो डब्ल्यूबीसी जिसको हम कॉमनली जो है मतलब साइंटिफिक टर्म जो है ल्यूकोलिम्फोसाइट्स कहते हैं, यहां पर लिम्फोसाइट्स कहते हैं क्योंकि लिम्फ में पाया जाने वाला पार्टिकल है, जिसका नाम दिया गया लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट्स क्या होता है, ये जितने भी बाहरी शरीर में जो है जर्म्स प्रवेश करते हैं, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, किसी और प्रकार का फंगल इंफेक्शन हो, तो उनसे लड़ने का काम करता है ये लिम्फोसाइट, और हमारे शरीर को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। फिर लिम्फ जो है किस तरह से पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है इसकी बात करते हैं, क्योंकि यहां पर हम सर्कुलेटरी सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, तो उसका सर्कुलेशन की बात करते हैं। तो लिम्फ वेसल्स जो होती हैं बहुत महीन और छोटी होती हैं, मतलब काफी पतली और बहुत छोटी लिम्फ वेसल्स होती हैं जिनके अंदर लिम्फ रन करता है, जिनके अंदर चलता है, और ये लिम्फ छोटी वेसल्स मिलकर क्या बनाती है, बड़ी लिम्फ वेसल्स बनाती हैं। मतलब जहां पर इनकी शुरुआत होती है वो बहुत छोटी होती हैं, उसके आगे जब कई सारी ब्रांचेस मिलती जाती हैं तो एक बड़ी लिम्फ वेसल बन जाती है। अब बड़ी लिम्फ वेसल्स क्या करती हैं, बड़ी लिम्फ वेसल्स जब मैंने हार्ट बनाया था इस तरह से कुछ, तो आपको बताया था कि यहां पर जो है सुपीरियर वेना कावा, नीचे इंफीरियर वेना कावा, फिर इधर तीन और डक्ट थी जो है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर था जो कल के वीडियो मैंने आपको बताया था। तो होता क्या है, थोरैसिक जो बड़ी लिम्फ वेसल्स होती हैं, ये क्या होता है, दो बड़े जो है इनके शरीर में जो है बड़ी वेसल्स पाई जाती हैं, इनका नाम है, एक का थोरैसिक डक्ट नाम है और दूसरे का राइट लिम्फैटिक डक्ट, क्योंकि ये राइट साइड से आती है हार्ट में, तो इसको राइट लिम्फैटिक डक्ट कहते हैं। और थोरैसिक डक्ट रहती है, थोरैसिक आप जानते हैं हमारे शरीर का कौन सा पोर्शन होता है, जो हमारा मतलब अगर इधर सामने से चेस्ट की बात करें तो जो पीछे का पोर्शन होता है उसको थोरैसिक कहते हैं। तो पीठ की तरफ से आकर जो है ये यहां पर जो है इंटर करती है, तो ये थोरैसिक डक्ट कहलाती है। और ये जब हृदय के पास पहुंचती है, जैसे यहां से ये आ रही है, हृदय के पास पहुंचती है तो ये वेन्स में मिल जाती है। मैंने आपको बताया था कि आर्टरी और वेन्स जो है दो मेन जो है ब्लड वेसल्स होती हैं, और वेन्स में क्या होता है, वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, ब्लड में वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है वेन्स में जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी अपशिष्ट पदार्थ जो पाए जाते हैं जिसके पास ये, जिसके कारण ये इम्प्योर होता है, और इसको अनऑक्सीजिनेटेड भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो इस तरह से ये वेन्स से होते हुए हमारे हार्ट में प्रवेश करता है, हार्ट में सिमिलर उसी मैकेनिज्म से हार्ट की पंपिंग होती है, फिर वो जो इसमें वेस्ट मटीरियल ये कैरी करके लाया है, कौन सा, CO2 और यूरिया, CO2 यूरिया या और कोई नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, तो ये सब जो है वेन्स के माध्यम से होते हुए हार्ट में सर्कुलेट करता है, और बाद में पल्मोनरी जो है वेसल्स या पल्मोनरी जो है
डक्ट के माध्यम से ये फेफड़े में पहुंचता है, फेफड़े से जो CO2 बाहर निकल जाती है, यूरिया जो है हमारे किडनी में जाके छन जाता है और वो जो है यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म हो गई पूरी जो है लिम्फ वेसल्स की, किस तरह से लिम्फ ट्रेवल करता है। अब आपने देखा होगा कि कुछ छोटे बच्चे होते हैं या बड़े लोगों को भी रहता है तो गर्दन के पीछे यहां पर उनको जो है यहां पर सूज जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि गांठ हो गई है, यहां पर भी होता है और आर्म्स पिट में भी गांठें हो जाती हैं। तो जब कोई ज्यादा बीमार होता है या जब उसके शरीर में कोई जो है भयंकर इंफेक्शन हो जाता है, खासकर बैक्टीरियल या वायरल, तो ये जो नोड्स होती हैं या इसको गांठें हम हिंदी में कहते हैं लिम्फ नोड्स, ये सूज जाती है, सूजन आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये यहां पर WBC जो होती है वो यहां पर जो है उससे फाइट करती है बाहरी उससे, तो वो उसके कारण जो है सूजन सी आ जाती है और वो तब तक बनी रहती है जब तक हमारे शरीर में जो है इंफेक्शन मौजूद है। जैसे इंफेक्शन खत्म होगा धीरे धीरे वो गांठ जो है सूख जाएगी। कुछ गांठें और भी होती है, जैसे टीबी की गांठ होती है तो ट्यूबरक्लोसिस का अलग मामला है, लेकिन यहां हम लिम्फ नोड्स की बात कर रहे हैं। तो लिम्फ नोड्स में जो लिम्फ वेसल्स ही होती हैं, जिसको मैंने बताया कि लिम्फ वेसल्स, यही जो है इनमें सूजन आ जाने से फूल जाती हैं और ये क्या बन जाती है, गांठ बन जाती है। फूलने से गांठ बन जाती है तो इनको हम क्या कहते हैं, लिम्फ नोड्स कहते हैं। और जो हमारे शरीर में मेजर लिम्फ नोड्स हैं वो गर्दन में पाया जाता है, पहली चीज जो मैंने बताया, आर्म्स पिट में, यानी हमारे ये आर्म्स पिट में पाया जाता है, और टॉन्सिल्स, यहां भी आपने देखा होगा सूजन आ जाती है जब हमको भयंकर जुकाम बुखार हो जाए या थ्रोट का इंफेक्शन हो जाता है, तो यहां पर जो है जो लिम्फ नोड्स हैं वो सूज जाते हैं, यहां भी सूजन आ जाती है। तो ये क्या है, ये हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है। जैसे शरीर में कोई ऐसा इंफेक्शन हो जाता है तो तुरंत जो है लिम्फ में जो लिम्फोसाइट्स हैं या WBC है वो तुरंत रिएक्ट करती है और उस इंफेक्शन को रोकने के लिए वहां पर WBC जो है लिम्फ फूल वेसल्स में ही फूल जाती है, लिम्फ वेसल्स में, और लिम्फ नोड बन जाता है। तो लिम्फ के लिम्फ टिश्यूज के पिंड बन जाते हैं, इसी को हम जो है गांठे कहने लगते हैं। और ये गांठे तभी सही होती हैं जब हम एंटीबायोटिक वगैरह खाते हैं और हमारे शरीर में इंफेक्शन खत्म हो जाता है, या शरीर खुद ही जो है अपने मैकेनिज्म द्वारा जो है उसके इंफेक्शन को समाप्त कर देता है। अब हम बात करते हैं कि वैसे लसीका तंत्र के कार्य आप समझ गए होंगे, लेकिन एक ब्रीफ में फिर से हम देख लेते हैं सब कुछ। तो जो कुछ चीजें इसमें नई भी आएंगी, जल का अस्थाई संचय, यानी जो है टेम्परेरी तौर पर जो है जो बॉडी में एक्सेस वाटर है, जो हमारे शरीर में थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा पानी होता है, उसका ये जो है स्टोरेज कर लेती है। संचय का मतलब टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ एक्सेस वाटर। होता क्या है, जैसे कि हमने पानी पिया और मान लीजिए उस समय प्यास तो लगी थी लेकिन हमारे शरीर को उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, तो पानी क्या हुआ, वो पानी भी कैसे जाता है, हमारे जो है ब्लड में सर्कुलेट होता है। अब ब्लड में पानी ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि जो ब्लड का जो है एक pH होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसके कारण जो है कई और केमिकल प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है। लेकिन लिम्फ क्या करता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जैसे ही जल आता है तो वो टिश्यूज में देखता है कि जो टिश्यूज में पानी का ज्यादा आ रहा है, तो लिम्फ चूंकि खुद ही द्रव्य होता है तो वो पानी को सक कर लेता है अपने अंदर, और पानी को सक करके उसको थोड़ी देर के लिए उसका जो है स्टोरेज कर लेता है जब तक कि उसके शरीर को आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही पानी की शरीर मतलब टिश्यूज को या सेल्स को जरूरत पड़ेगी, तुरंत जो है लिम्फ से पानी निकलकर टिश्यूज और सेल्स को सप्लाई हो जाएगा और वहां चला जाएगा। फिर दूसरी बात करते हैं अधिशेष, यानी जो एक्सेसिव वाटर है। यहां तो बात हुई कि जल का संचय तो वो करता ही करता है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी तौर पे करता है, लेकिन जो जरूरत से ज्यादा पानी है उसका क्या करता है, तो जरूरत से ज्यादा पानी जो होता है वो अगर टिश्यू फ्लड में जो है जरूरत से ज्यादा पानी है, मतलब ऊतक द्रव्य जो हो गया, ऊतकों में जो ऊतक द्रव्य जिसकी हमने बात की, जो जिसको लिम्फ कहते हैं, जब उसमें पानी ज्यादा हो जाता है, एक्सेस वाटर हो जाता है,
तो वो क्या करता है, वो पानी को छान कर कहां भेज देता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में भेज देता है, ब्लड सर्कुलेशन में भेज देता है, जिससे वहां पर पानी कम हो जाता है और जो है एक जो बॉडी का इक्विलिब्रियम होता है वो एक मेंटेन हो जाता है। फिर बड़े अणु या जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वैसे प्रोटीन और हार्मोन, ये थोड़े बड़े अणु होते हैं जो हमारी ब्लड कैपिलरीज में, जब मैंने आपको ब्लड बताया था तो एक तो आर्टरी में ब्लड बहता है, दूसरा वेन में बहता है, तीसरा कैपिलरीज में बहता है। कैपिलरीज सबसे पतली पतली होती हैं, जो आप हाथ के ऊपर ये देख सकते हैं, वेन्स भी हैं और उनकी जो सब ब्रांचेज होती है बहुत ही पतली होती हैं, तो उनको हम कैपिलरीज कहते हैं। तो जो प्रोटीन और हार्मोन होते हैं, इनका जो है जो मॉलिक्यूलर साइज होता है वो बड़ा होने के कारण ये कैपिलरीज को भेद नहीं पाता है, मतलब कैपिलरीज के आर पार नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो है लिम्फ क्या करता है, लिम्फ जो है प्रोटीन और हार्मोन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड सर्कुलेशन में उसको डायरेक्ट पहुंचा देता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में ही उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से वो अंगों में पहुंच जाता है, तो कैपिलरीज वाला जो रास्ता होता है वो बाईपास हो जाता है। ये इसका तीसरा फंक्शन हो गया। चौथा वसा या फैट का परिवहन, तो जो बॉडी में फैट का मतलब, फैट का मतलब ये हो गया, फैट हमने खाया वो वाला फैट नहीं, फैट जब पचने के बाद जो है क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसराल में टूट जाता है। जब मैंने पाचन तंत्र पढ़ाया था तो आपको बताया था कि फैट के दो पार्ट होते हैं, जो देखिए जो मैंने लिखा है यहां पर, फैटी एसिड और ग्लिसराल। जब भी फैट का डाइजेशन हो जाएगा तो कंप्लीट डाइजेशन के बाद दो के दो जो है कंपाउंड्स बचेंगे, एक फैटी एसिड बचेगा और एक ग्लिसराल बचेगा। तो आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी होती है, जो फाइनली छोटी आंत में जो है खाना पचने के बाद, तो एलिमेंट्री कैनाल से क्या होता है, विलाई द्वारा जो है जो पोषक पदार्थ जो होते हैं, जो खाने का बचा हुआ जो है ग्लूकोज और जो मतलब सरलतम अणुओं में टूट जाते हैं, ग्लूकोज ग्लिसराल फैटी एसिड और पेप्टाइड्स में, तो उसको एलिमेंट्री कैनाल जो है क्या करती है। नॉर्मली क्या होता है, ग्लूकोज तो जो है विलाई द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन फैट के चूंकि अणु बड़े भी होते हैं और फैट का जो है जो डाइजेशन होता है फाइनल डाइजेशन, उसका सिस्टम अलग होता है, वो ग्लिसराल जैसा पाथ जो है नहीं फॉलो करता है। तो ऐसी स्थिति में फैटी एसिड और ग्लिसराल जो है ये ब्लड वेसल्स में ना जाकर, ये ब्लड वेसल्स में नहीं जाता, सीधे जो है लैक्टियल वेसल में जाकर लैक्टियल वेसल से होता हुआ लिम्फैटिक सिस्टम में प्रवेश कर जाता है, और लिम्फैटिक सिस्टम में प्रवेश करने के बाद फैट का कंप्लीट डाइजेशन होता है, क्योंकि ये जो फैटी एसिड और ग्लिसराल है ये फिर ग्लूकोज में टूटता है, लेकिन कब, जब हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि फैट जो होता है वो इमरजेंसी के लिए हमारे बॉडी में संचित रहता है, और जब हमको जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी पड़ने लगती है और उसका कोई अतिरिक्त सोर्स नहीं बचता है, तो ये फैटी एसिड जो है और ग्लिसराल जो है ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है, और ग्लूकोज फिर जो है ऑक्सीजन की क्रिया से एनर्जी में चेंज हो जाता है, यानी एटीपी में। तो कहने का मतलब यह है कि फैट का जो परिवहन होता है, फैट का जो ट्रांसपोर्ट होता है शरीर में, वो केवल लिम्फैटिक सिस्टम द्वारा होता है, ब्लड सर्कुलर सिस्टम द्वारा नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर संक्रमण से सुरक्षा, तो संक्रमण से सुरक्षा पे मैंने इधर आपसे चर्चा कर ही ली है कि जो लिम्फोसाइट्स होती हैं यानी WBC, वो कोई भी बाहरी जब हमारे शरीर पे इंफेक्शन का अटैक होता है किसी भी जर्म्स का, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, जिस किसी भी तरह का इंफेक्शन हो, तो उस इंफेक्शन से लड़ने के लिए WBC जो लिम्फ में पाई जाती है वो सामने आती है, और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर जो है उस एंटीजन के खिलाफ और जो है जर्म्स का खात्मा करती है। तो इस प्रकार से ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का जो है महत्वपूर्ण भाग है। तो दोस्तों
ब्लड में सब कुछ कंप्लीट हो गया है, ब्लड आज आप कंप्लीट मान लीजिए, लिम्फ सिस्टम भी हो गया, हार्ट भी हो गया, और अब मैं एक नया टॉपिक लेके आऊंगा बायोलॉजी का।